राजधानी भोपाल के पुराने शहर स्थित उत्तर विधानसभा के वार्ड नंबर 14 में भरे गए नारी सम्मान योजना के फॉर्म में वार्ड की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में लगभग 2500 महिलाएं उपस्थित रही। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में लगातार हर जगह में इस योजना के संबंध में शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं कल शाम वार्ड नंबर 14 में भी नारी सम्मान योजना का शिविर लगाया गया, जिसमें वार्ड की तमाम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस योजना को लेकर कांग्रेस के युवा नेता आतिफ अकील ने कहा कि माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसको लेकर हम जनता के बीच आए हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। के जब चुनाव होंगे और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी का वचन पत्र है कि 1500 रुपये हर महीना योजना दी जाएगी, 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट माफ है, 200 यूनिट हाफ है, पुरानी पेंशन योजना भी चालू की जाएगी। ये कमलनाथ जी का हमारा वचन पत्र है और वचन हमेशा उन्हें निभाया है। किसानों का कर्जा माफ़ करके दिखाया है, पहले मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के जिनने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, और उनका ये वादा है, वचन पत्र है, किसानों का कर्जा भी माफ़ करेंगे। दोस्तों, साथी है बेटा, आवाज सुन रही माओ बहनों, जिंदगी जी है तो जीने का तरीका देना, मेरे मालिक पांव बख्शे हैं तो टोपी का सबक भी देना, बुजुर्गों को ऐसे कहने की मैं मजबूर था, आपने बोलो तो मेरी बातों में असर तो ही दिया। मेरे वालिद आरिफ अकील साहब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।